कभी कभी स्थान, कभी कभी संग, है ना, संग, कभी कभी स्थान और हालात और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप अंतर्मुख हो जाते हैं, आपका मन मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। ये तो विपिन का संग मिला, सुरसरी का संग मिला, संग तो संग होता है ना देवियों, है ना, है ना। पानी की वो एक बूंद ही तो है, जब पत्ते पे गिरती है तो ओस बन जाती है, वो पानी की एक बूंद, तवे पे गिरती है तो जल जाती है, पानी की वो एक बूंद, नागराज के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है, पानी की वो एक बूंद जब सीपी में गिरती है तो मोती बनकर चमक जाती है, पानी की वो एक बूंद, संग, संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसा ऐसा अद्भुत संग, सुंदर गुफा, सुंदर वातावरण, और शापित रहेंगे, शापित रहेंगे, ये शापित हैं देव ऋषि, एक जगह रह नहीं सकते, लेकिन जैसे शाप शांत हो गया हो, जब भोले बाबा ने कहा देवी भवानी, देव ऋषि नारद से शाप से भगवान को जन्म लेना पड़ा, तो देवी बोली नारद शाप, नारद ने शाप दिया तो जरूर रमापति ने कोई अपराध किया होगा, ये होती है गुरु निष्ठा, कि क्यों क्यों, गिरिजा चकित भई सुन वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। और फिर भोले बाबा ने सारी कथा सुना दी कि वो शांत बैठ गए थे, देवताओं ने भेज दिया कामदेव को, कामदेव बोले कि भैया मुझे क्यों भेज रहे हो, लगता है मेरी राम नाम सत्य कराने का प्रोग्राम है तुम्हारा। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, देव ऋषि नारद तो आपके हाव भाव से ही रीझ जाने वाले हैं। बड़े प्रयास किए पर देव ऋषि नारद की समाधि नहीं खुली। फिर हुआ क्या, जो तीर कहीं नहीं चलता ना देवियों, वहां प्रशंसा का तीर चलता है, प्रशंसा, प्रशस्ति, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो उर्दू में, क्या बोलते, तारीफ, तारीफ ऐसी ना हो कि तमीज गायब हो जाए। कामदेव ने सोचा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने पुष्पमाला ली और देव ऋषि नारद के गले में पहनाई। वाह वाह देव ऋषि, आप तो चतुर शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, विरक्त शिरोमणि, आप तो अद्भुत हैं, आपने तो मेरी चलने नहीं दी, आपको तो क्रोध भी नहीं आया, वे भोले बाबा ने तो क्रोध किया था, आप कामारी भी हैं और आप क्रोधहारी भी हैं। क्या होने लगी, प्रशंसा, क्या होने लगी, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो। और एक 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 ने हाथ दिखाया तो उसको बताया कि 4 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी। उसने कहा 4 दिन बाद, अब मैं क्या करूं, तो वो मूर्तिकार था, बोले ऐसा है तू ना अपने जैसी 8 मूर्तियां बना, 4 इधर 4 इधर, बीच में खड़े हो जाना, मूर्तियों को अपने जैसे कपड़े पहनाना, नख से शिख तक तेरे जैसी मूर्तियां, और जब तेरी मरने की घड़ी है ना उस समय सांस रोक के खड़ा हो जाना मूर्ति बन के मूर्तियों में, बस वो घड़ी टल जाएगी और तेरी मौत टल जाएगी। उसने ऐसा ही किया, अपनी मूर्तियां बनाई, 4 इधर 4 इधर, नख से शिख तक एक जैसी, अपने जैसी, बीच में सांस रोक के खड़ा हो गया। यम के दूत आए तो चकरा गए कि हम तो एक को लेने आए थे, यहाँ तो 9-9 खड़े हैं। फिर धर्मराज आए, उनको भी कुछ समझ आया नहीं। फिर भोले बाबा आए, उन्होंने कहा ये क्या है, ब्रह्मा जी को बुलाओ, लगता है कोई और ब्रह्मा पैदा हो गया जो नई सृष्टि कर रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले हाँ भैया ये तो गड़बड़ है मामला, तो पता चला नारायण को बुलाया जाए। फिर भगवान नारायण आए, चारों तरफ घूमते रहे घूमते रहे, फिर नारायण पता है क्या बोले, बोले वाह क्या बात है, क्या अद्भुत है, कैसी कला है, एक जैसी नख से शिख तक इतनी सुंदर प्रतिमाएं, लगता है अभी बोल देंगी, अभी बोल देंगी, अभी बोल देंगी। अरे इनको बनाने वाला मिल जाता ना तो ऊंचे से आसन पे बैठा के मैं अपने हाथों से फूल माला पहनाता, आरती उतारता। जब इतनी प्रशंसा सुनी तो चुप नहीं रह सका, बोल पड़ा, बोले महाराज मैं ही हूँ ये मूर्तियां बनाने वाला। तो भगवान ने बोला आजा आजा, तेरी तलाश थी, तुझी को ढूंढ रहे थे, जहाँ कोई तीर नहीं चलता वहां प्रशंसा का तीर,
और प्रशंसा ऐसी होती है कि पत्थर की मूर्तियां भी डोल जाती हैं। और देव ऋषि नारद ने कामदेव को अपने आसन पे ही बैठा लिया और इतनी बड़ी विजय मिल गई है। तो अखबार वालों में है ना, चैनल वालों को तो बुलाना पड़ेगा ना, क्यों है ना, उनके उनके जो है वो प्रमुख संपादक साहब, उनसे कुछ साठगांठ करनी पड़ेगी ना कि जरा थोड़ी हमारे बारे में बताइए, जरा हमारी बातें जरा कुछ। और भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा बोले कि महात्मा आए हैं, अब राम कथा करेंगे। वो वहां काम कथा करने लग गए कि काम देवाया, मैंने ऐसा किया वैसा किया। भोले बाबा बोले कि ऐसा है देव ऋषि, यहाँ बोले सो बोले, है ना, नारायण भगवान के पास माँ जाके बोलियो मत, क्योंकि वो बड़े विचित्र खिलाड़ी हैं, वो जरा कुछ और खेल ना खेल। अब इन्हें लगा कि अरे मेरी इतनी बड़ी प्रशस्ति दुनिया को गानी चाहिए, मैं अपनी अपनी उपलब्धि क्यों ना बताऊं। और फिर देखो बहुत सुंदर दृश्य खींचा है तुलसीदास बाबा ने। भोले बाबा बता रहे हैं कि एक बार कर तलबर बीना, एक बार कर गावत हरि गुण गान प्रवीण, आप गाने में प्रवीण हैं, आपके सुर सदैव हैं, आपके सुर सदैव हैं, सुर सदैव, जो सुर में नहीं होता ना वो क्या होता है, है? बोलो ना, सुर सदैव, सुर सदैव है कि नहीं, अगर सुर नहीं है तो फिर असुर है हम, क्या है? और अच्छा अगर 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 ऐसा हो कि भाई पत्नी जो है वो मध्यमांस गा रही है और पति देव ने दरबारी छेड़ दी और पुत्र भैरवी गा रहा है, और पता चला गा तो सब रहे हैं पर पड़ोसियों का नाक में दम हो रहा है। जीवन में सुर असुर कब बिगड़ता है, जब व्यक्ति अहंकारी बनता है। यहाँ गाने में प्रवीण है वो, लेकिन उनमें गाने का अनुराग, भगवान के नाम का क्या होना चाहिए? देवियों बोलो, मौनी महाराज, वो मीरा गाते 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 बहक गई, तो किसी संगीतकार ने पर्ची लिख के भेजी कि मीरा राग में गाओ, तो मीरा ने पर्ची लौटा दी पर राग के आगे लगा दिया अनु, क्या बन गया बोलो ना, राग भले ही बहक जाए पर अनुराग पूरा होना चाहिए, प्रेम परिपूर्ण होना चाहिए। और मेरे ठाकुर को क्या प्रिय है? प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और ये अहंकारी बनकर जा रहे हैं तो भगवान उठकर सोचे कि चलो उठ के मिलते हैं इनको, भगवान उठकर मिले और अपने आसन पे बिठाया। अब काम अचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम भरज शिव राखें, और वहाँ भी सब बोले, भगवान ने सोचा अब ये अहंकारी बन गए महात्मा, जरा इनका इलाज किया जाए। उन्होंने अपनी योग माया से कहा कि जाओ देवी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो और एनेस्थीसिया दिया जाएगा, अभी देव ऋषि नारद का ऑपरेशन किया जाएगा। और उनके अंदर पड़ी हुई अभिमान की जो ग्रंथि है, बोलिए ना, फिर क्या हुआ था वो तो कथा आपको पता ही है ना। शील निधि राजा लौट रहे थे तो बड़ा नगर देखा, बड़ी हलचल है, क्या हो गया क्या हो गया, अरे विश्व मोहिनी का ब्याह हो रहा है। अच्छा विश्व मोहिनी कौन होती है? जो विश्व में सबसे सुंदर होती है वो होती है। अच्छा तो फिर थोड़ा थोड़ा देख ही लेता हूँ। हाँ भाई जब तुम्हारा उपवास है एकादशी का तो फिर रसोई में जाके क्या सूंघ रही हो कि आज क्या बनाए, है बोलो ना, शरीर से छोड़ दिया पर मन से नहीं छोड़ा, बोलो ना बोलो ना। और जिस दिन उपवास होता है ना उस दिन ज्यादा भोजन की खुशबू आती है ना? और जिन दीवारों पे लिखा होता है यहाँ झांकना मना, दिल करता है यार एक बार देख ही लेते हैं क्या मामला है ना, ऐसा ही है ना। इसलिए छोड़ दीजिएगा, नहीं 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 नहीं, छूट जाए तो उचित है, छोड़ना तो बलपूर्वक होता है। शरीर से छोड़ा पर मन से,
हम लोग साधना में थे, यही दिल्ली के एक सेठ का लड़का नाराज होके भाग के गंगा जी किनारे हरिद्वार आ गया। हम सब गंगा किनारे बैठ के ध्यान करते थे और एक दिन उसने देखा उस पार गोरी गोरी पीठ वाली, पतली पतली लंबे लंबे काले बालों वाली, मुंह उसका उधर था जंगल की तरफ, तो तैर के गया उधर उसका मुख देखने के लिए और फिर मुंह लटका के लौट आया। हमने पूछा क्या हुआ, अरे बोले वो स्त्री नहीं थी, वो तो दाढ़ी वाले बाबा जी थे। तो हमने कहा अच्छा हुआ देखा है, नहीं तो रात भर उसी के सपनों में। छोड़ देने से नहीं छूटता, छूट जाने से छूटता है, इसलिए पका हुआ नारियल स्वयं खोपड़े को छोड़ देता है और कच्चा नारियल जितना मर्जी छुड़ाओ कुछ ना कुछ उसका हिस्सा। बोलो ना, सारी दुनिया पीछे पड़ी है, छोड़ दो छोड़ दो। अरे हमें क्या 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 छोड़ दो भाई, अब शरीर ही छोड़ दें यही हो सकता है, क्यों छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे कुछ मत छोड़ो, जिस दिन तुम्हारे हाथ में प्रभु के नाम का कोहिनूर का हीरा आ जाएगा उस दिन कंकड़ पत्थर अपने आप छूट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए श्रेष्ठ को जब प्राप्त करोगे तो निकृष्ट अपने आप छूट जाएंगे। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।